हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पे एक न्यू आईटीआई से रिलेटेड लेटेस्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हम अपने इस नोटिफिकेशन पे बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो आया है वो किस कंपनी का है और आपका जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, सैलरी क्या मिलेगी कि इस कंपनी की तरफ से, कितने घंटे की ड्यूटी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ डिटेल बहुत ही सरल और डिटेल आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। पूरा फुल इन्फॉर्मेशन बहुत ही सटीक और सरल तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कंपनी नेम ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कंपनी नेम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन वॉक इन इंटरव्यू 2024 सेटर वीएमसी एचएमसी ऑपरेटर्स एंड अदर 100+ पोस्ट है। 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा पास वालों के लिए ये कैंपस प्लेसमेंट डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कंपनी नेम ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या है सारा कुछ। कंपनी वेबसाइट देख सकते हैं आप लोग, www.jyoti.com.in। पोजीशन की बात करते हैं दोस्तों, तो सेटर वीएमसी एचएमसी ऑपरेटर्स एंड अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है इस कंपनी में। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, 13,500 रुपये से लेके 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड पोजीशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं वीएमसी ऑपरेटर टोटल पोस्ट 25, एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या वीएमसी ऑपरेटर के लिए मांगा है, तो एसएससी यानी कि 10वीं आईटीआई टर्नर मशीनिस्ट पास होना चाहिए आपके पास 10वीं के साथ साथ दोस्तों आईटीआई टर्नर ट्रेड और मशीनिस्ट ट्रेड वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं वीएमसी ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 1 साल से 5 साल के बीच में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एचएमसी यूएमसी ऑपरेटर की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट 25 है, आईटीआई पास आउट मशीनिस्ट एंड डिप्लोमा, ठीक है। 1 से 5 साल एक्सपीरियंस इसके लिए भी रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीएनसी ग्राइंडिंग ऑपरेटर की बात करते हैं, टोटल पोस्ट 15, आईटीआई टर्नर डिप्लोमा, एक्सपीरियंस 1:5, ठीक है। मैनुअल ग्राइंडिंग ऑपरेटर 10 पोस्ट, एसएससी यानी कि 10वीं और आईटीआई, 1 से 5 साल एक्सपीरियंस रखा गया है। वीएमसी एचएमसी सेटर की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल पोस्ट 5 है, आईटीआई टर्नर और मशीनिस्ट वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल पोस्ट 15, डिप्लोमा और बीटेक और वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं क्वालिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है। आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल पोस्ट 50, यानी कि मैं इसी की बात कर रहा था कि आईटीआई फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ये बहुत ही बम्पर भर्ती की नोटिफिकेशन आया है और जो कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो फिटर, डीजल मकैनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और 1 साल से 2 साल वाले आईटीआई जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है वो एलिजिबल हैं आप लोग, ठीक है। यानी कि आपने अगर आईटीआई फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड से किया है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बेंडिंग मशीन ऑपरेटर की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल पोस्ट 20 है, फिटर और डीजल मैकेनिक वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं बेंडिंग मशीन ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। मेक बिल्डर की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल पोस्ट 5 है, 10वीं और 12वीं और आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ईटीपी ऑपरेटर की बात करते हैं,
तो टोटल पोस्ट दो है, आईटीआई डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 1 से 3 साल के बीच में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ईटीपी ऑपरेटर का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वॉक इन इंटरव्यू डिटेल की बात करते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं, डेट है 5 से 17 मार्च 2024, यानी 5 मार्च से लेके 17 मार्च 2024 के बीच में कभी भी जाके आप लोग 2 बजे से 5 बजे के बीच में कभी भी जाके अपना इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अगर 10वीं आईटीआई डिप्लोमा बीटेक पास आउट कैंडिडेट हैं, मैंने सारा कुछ पोस्ट वाइज दिखाया आपको, बताया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए है। अगर आप लोग ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, तो आप लोग दोस्तों 5 मार्च से 17 मार्च के बीच में कभी भी 2 बजे से 5 बजे के बीच में कभी भी जाके अपना इंटरव्यू के द्वारा अपना सिलेक्शन इस कंपनी में ले सकते हैं, ठीक है। वेन्यू की बात करते हैं दोस्तों, को किस वेन्यू पे जाना है आपको, तो फॉर पोस्ट रैंक 126 यूनिट 1 प्लॉट नंबर G506 ऑफ मेटोडा गेट नंबर 3 कलवाड़ रोड मेटोडा GIDC लोधिकिया राजकोट, यानी कि आपको जाना है इस कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यू के लिए ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, तो आपको जाना होगा लोधिकिया राजकोट गुजरात, ठीक है। तो जो भी नियर बाय कैंडिडेट हैं जो आराम से इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करने के लिए। बहुत ही अच्छी खासी सैलरी इस कंपनी की तरफ से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर है 9510 41 36 25, और फार पोस्ट रैंक यानी कि 7 से 10 पोस्ट के लिए यूनिट 3 प्लॉट नंबर 2839 मेटोडा गेट नंबर 2 कलवाड़ रोड मेटोडा GIDC लोधिकिया राजकोट। इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों 9979 73 30 88, ठीक है। तो ये था ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था, बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आई है इस कंपनी की तरफ से। तो जो भी ITI पास आउट कैंडिडेट हैं, आप लोग अगर टर्नर मशीनिस्ट फिटर इलेक्ट्रीशियन या डीजल मैकेनिक वायरमैन से अगर आपने ITI पास आउट किया है, तो आप लोग ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी नियर बाई स्टूडेंट आराम से पहुँच सकते हैं कैंडिडेट, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, और आप लोग इस वीडियोज़ को जो भी कैंडिडेट ITI पास आउट या डिप्लोमा पास आउट हैं, आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करिए, और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं अपने अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पे इसी प्रकार की कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट या गवर्नमेंट जॉब अपडेट ITI 10वीं 12वीं और डिप्लोमा लेवल की जो भी वैकेंसी आती है या कैंपस प्लेसमेंट कंपनियाँ लगाती हैं, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक तो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट लेके या गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।